जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस में। जी हाँ दोस्तों, CISF खुली भर्ती की महाघोषणा हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉकडाउन में यहाँ पर अर्जेंट भर्ती निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप CISF में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वाकई दोस्तों यहाँ पर भारतीय सेना को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसके लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आप CISF में भर्ती होने का मौका पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि इसके जो आवेदन हैं वो भाई कब से शुरू हो रहे हैं और आप इसके लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं और इसमें क्या योग्यता है और दोस्तों इसकी यहाँ पर जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है CISF में भरे जाएंगे 1018 पद। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1018 पद दोस्तों यहाँ पर भरे जाएंगे। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया है और इसको लेकर यहाँ पर न्यूज भी आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं कि भाई इसके जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे और आप इसके लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हवाई अड्डों, परमाणु प्रतिष्ठानों, मेट्रो नेटवर्क सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की प्रभावी ढंग से सुरक्षा करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में 1000 से अधिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यानी कि दोस्तों 1000 से ज्यादा पद यहाँ पर आप देख सकते हैं और CISF देश में लगभग 60 नागरिक हवाई अड्डों की रखवाली करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो CISF होती है वो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर सरकार के औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनकी यहाँ पर रखवाली करती है और यहाँ पर 60 नागरिक हवाई अड्डों की यहाँ पर रखवाली करती है। तो दोस्तों CISF के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं और आगे लिखा है कि और इसकी कमान में कुलीन VVIP सुरक्षा विंग होती है जिसे विशिष्ट सुरक्षा समूह SSG कहते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने CISF में 899 पदों की मंजूरी दी और बाद में अन्य 119 पदों के लिए मंजूरी दी। तो दोस्तों जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कांस्टेबल में इंस्पेक्टर स्तर तक की स्वीकृत पदों के साथ अगले 2 वर्षों में एक और बटालियन 1000 कर्मियों का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए 1000 से ज़्यादा यानी कि 1018 पदों पर ये भर्ती निकली है और यहाँ पर जो इंटर और हाई स्कूल पास जो विद्यार्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी 12वीं पास और 10वीं पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके जो आवेदन है इसी माह से दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आपके राज्य में लॉकडाउन सेकेंड वीक से इसके जो आवेदन है यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। मई जून के दोस्तों यहाँ पर जो जून चल रहा है अभी, जून के सेकेंड वीक तक इसके जो आवेदन है वो वहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो भाई इसके जो जब भी आवेदन शुरू होंगे आपको सबसे पहले यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा। तो इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तब भी दोस्तों इसके आवेदन शुरू हो आपको सबसे पहले यहाँ पर पता चल जाए कि भाई इसके आवेदन है कब शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।